हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे उन इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी लड़की को या किसी गर्ल को इम्प्रेस करने के लिए। जब भी आपको सामने वाली लड़की या गर्ल आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, अट्रैक्टिव लग रही हो, या आप उसकी तारीफ करना चाहते हैं, तो आप इन 10 इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है यू आर एलिगेंट, तुम बहुत हसीन हो। तो ऐसे हम उसकी तारीफ कर सकते हैं, एलिगेंट मीन्स हसीन। दूसरा, यू आर प्रिटी, आप बहुत प्यारी हो। प्रिटी यानी कि प्यारी या सुंदर। अगर आपको सामने वाला बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो आप उसे ये वर्ड या ये सेंटेंस बोल सकते हैं, यू आर प्रिटी, आप बहुत प्यारी हो। अगला है यू आर वन इन मिलियन, आप लाखों में एक हो। मिलियन यानी कि लाखों में, वन इन मिलियन यानी लाखों में एक। उससे अगला सेंटेंस है यू आर ए निम्फ, तुम एक अप्सरा हो। निम्फ यानी कि अप्सरा, यू आर ए निम्फ, तुम एक अप्सरा हो। ऐसे आप सामने वाले की तारीफ कर सकते हो। अगला सेंटेंस है लुकिंग रेडियंट, तुम चमक रही हो। रेडियंट यानी कि चमक। उससे अगला सेंटेंस है लुकिंग रेविशिंग, मनमोहक लग रही हो। रेविशिंग यानी मनमोहक, लुकिंग रेविशिंग, बहुत ज़्यादा मनमोहक लग रही हो। उससे अगला सेंटेंस है लुकिंग गॉर्जियस, कमाल लग रही हो। गॉर्जियस यानी कि कमाल लगना। उससे अगला सेंटेंस है लुकिंग ब्यूटीफुल, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, लुकिंग ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हो। तो अगला सेंटेंस है लुकिंग डिसेंट, तुम अलग दिख रही हो। डिसेंट यानी कि अलग दिखना। उससे अगला सेंटेंस है यू आर माई ड्रीम गर्ल, तुम मेरे सपनों की रानी हो। ड्रीम यानी सपनों की। So these are the 10 English sentences you can speak to impress any girl. Thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel for more videos and word meaning and English sentences with their Hindi meaning. Thank you for watching.